अच्छा जी, तो लास्ट वीडियो जहाँ से एंड करी थी मैं वहीं से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो शुरू करते हैं जी इस संडे की वीडियो का पार्ट टू, और कोशिश करेंगे इस वीडियो में अच्छी गाड़ियाँ ऐड करें। और आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर आप लोग गाड़ियों के बारे में कोई बात पूछनी है, प्राइस अपडेट जाननी है, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। कुछ अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आप लोगों के लिए गाड़ियाँ ऐड करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कम प्राइस वाली गाड़ियाँ हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोगों का, तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। और ख़रीदने वाले लोग बहुत कम हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सुजुकी कल्टस से 2005 का मॉडल है जी। बाहर से गाड़ी आप लोगों को पूरी शावर मिलेगी, अंदर से पूरी आप लोगों को गाड़ी है जेन्युइन कंडीशन में मिलेगी। कल्टस की जितने भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कल्टस से ऐड कर रहा हूँ। VXL है, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो वाली ये गाड़ी। और सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं लाइटों की तरफ। लाइटों की बात करें तो लाइटें भी बिल्कुल साफ सुथरी हालत में देखने को मिल रही हैं। और ग्रिल की बात करें तो ग्रिल भी हमें बिल्कुल ओके की कंडीशन में देखने को मिल रही है। 2005 का मॉडल है VXL। और टायरों की बात करें तकरीबन के 80% टायरों की कंडीशन में गुड है। नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हैं और नो डाउट बॉडी वाइज कोई भी काम रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन है पूरी गाड़ी आपको वो शावर मिलेगी है। कल्टस की जितने भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कल्टस में ऐड कर रहा हूँ। गाड़ी नो डाउट बड़ी बेहतरीन हालत में है देखने में। बाकी जब लेने आए तो अपने चला के चेक कर लीजिएगा, इंजन वगैरह स्टार्ट करके चेक कर लीजिएगा, सस्पेंशन वगैरह चेक कर लीजिएगा, पेपर जो चेक होते हैं वो भी आप लोग चेक करवा लीजिएगा। अच्छा जी, तो बैक साइड पे टायरों की बात करें तो वो भी हमें अच्छी हालत में देखने को मिल रहे हैं। बॉडी वाइज कोई भी काम रिक्वायर्ड नहीं है, कहीं से भी एक रुपए का भी काम नहीं करवाना पड़ेगा आपको बॉडी में इस गाड़ी का। अच्छा जी, दरवाज़ों की बात करें तो सीलें माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं दरवाज़ों की। और सीटों की बात करें तो ओरिजिनल हालत में सीटें मौजूद हैं। इंटीरियर माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन हालत में इस गाड़ी का। LCD वगैरह भी लगी हुई है, बार बार पूछ लेंगे फिर ओनर से LCD है जो वर्किंग में है या नहीं है। एक बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम जी, तो इंजन रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से, 3 सिलेंडर में नॉन EFI वाली गाड़ी। जो EFI होती है वो 4 सिलेंडर में होती है जी। और ड्राई बैटरी इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है माशाल्लाह से, बिल्कुल बेहतरीन हालत है इंजन की, इंजन रूम की। और इंजन रूम जो है इस गाड़ी का पूरा जेन्युइन मिलेगा आप लोगों को। बढ़ते हैं ओनर की तरफ, पूछते हैं इसकी प्राइस क्या, कितने में गाड़ी फाइनल छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें सर इस गाड़ी की आप? साढ़े छः लाख। VXL पावर स्टीयरिंग पावर विंडो वाली गाड़ी, अपना इंजन हर चीज़ ओके, कोई काम नहीं सस्पेंशन इंजन में है कहीं? और कैमरा AC हर चीज़ फील्ड वर्किंग में ठीक है, पेपर वगैरह सब कंप्लीट है सर इसकी? गाड़ी हर चीज़ पेपर की। कितना चली होगी सर तकरीबन ये गाड़ी? ये चली तो ज़्यादा है, ये तकरीबन 1.5 लाख चली, 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी ये टोटल चली हुई है ठीक है। मॉडल 2005 का है और ठीक है। डिमांड क्या कर रहे थे सॉरी? साढ़े छः। इसमें गुंजाइश हो जाएगी ना आपसे कोई कॉन्टेक्ट करे तो इस गाड़ी के बारे में? ठीक है, नंबर अपना शेयर कर दीजिए सर। 0312 0312 8879 8879 232 232। क्या नाम आपका सर? जवाद। जवाद भाई कहाँ की लोकेशन है? नागन चौरंगी की लोकेशन है ठीक है। जवाद भाई के पास गाड़ी मौजूद होती है, लोकेशन जो है नागन चौरंगी के। बाहर से गाड़ी आप लोगों को शावर मिलेगी, अंदर से पूरी गाड़ी आप लोगों को ये जेन्युइन कंडीशन में मिलेगी। 2005 का मॉडल VXL पावर स्टेयरिंग पावर विंडो वाली है ये। कौन सा मॉडल है सेंट्रो आपके पास? सेंट्रो ब्लैक कलर में, 5 मॉडल है वो भी ठीक है। क्या डिमांड करें? पूरी ओरिजिनल गाड़ी है, क्या डिमांड करें आपकी? ठीक है, 6,10,000 रुपये। भाई का जो नंबर है ऐड कर दूँगा स्क्रीन पे, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा भाई के साथ। और गाड़ी की अगर किसी को तस्वीरें चाहिए तो भाई भेज देंगे, सेंट्रो भी भाई के पास खड़ी हुई है ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, सुजुकी बोलान है, मॉडल 2015 का है। जितने लोग सुजुकी बोलान की रिक्वेस्ट कर रहे थे सुजुकी बोलान में ऐड कराऊंगा, आप लोग गाड़ी ये चाहिए तो आप लोग परचेस कर सकते हैं ओनर के साथ मिलकर। एंड में आप लोगों को प्राइस वगैरह भी बता दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोग गाड़ी की कंडीशन बता दूँ जी। गाड़ी आप लोगों को नीचे से टचअप मिलेगी, अंदर से गाड़ी पूरी जेन्युइन है और ऊपर के हिस्से से पूरी आप लोगों को गाड़ी जेन्युइन मिलेगी। 2015 का मॉडल है। सामने की बात करें तो लाइटें हमें बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे सपोर्ट गार्ड भी लगा हुआ है इसमें, ये लाजमी है यार कराची है, क्योंकि चलते रहती गाड़ियाँ का बिल्कुल टचअप होता रहता है तो ये थोड़ा सा सेफ्टी में आ जाता है ठीक है। तो गाड़ी नो डाउट बड़ी बेहतरीन हालत में मौजूद है। अगर आप लोग बोलान खरीदना चाहते हैं तो आप लोग खरीद सकते हैं। इसकी जो पूरी डिटेल है फिर आप लोगों को मैं ओनर के साथ मिलकर दे दूंगा। मॉडल 2015 का है सुजुकी बोलान। और बैक साइड से गाड़ी है कुछ इस तरह से। यहाँ स्पेस बहुत कम है यार, यूँ हमें एकदम से चक्कर लगाना पड़ता है। खुली खुली गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती, स्पेस बहुत कम है। 2015 का मॉडल है जी। गाड़ी ऊपर से जेन्युइन मिलेगी, नीचे की जो फुट बेरी साइड है ये पूरी आप लोगों को टचअप में मिलेगी, क्योंकि कराची का
जो पानी है वो लगता है बारिशों में आजकल ऐसा हो जाता है कि खुद ही मतलब जंग पकड़ना स्टार्ट करता है। टायरों की कंडीशन की बात करें तो तकरीबन 40-50% टायरों की कंडीशन में गुड मिल रही है और मैं स्टेपनी वाले टायर लगे हैं इस गाड़ी में। एक बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ और इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग दरवाज़ों की तरफ नज़र डालते हैं। दरवाज़ों की कंडीशन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी है, सीलिंग वगैरह बिल्कुल ओके की हालत में मौजूद है जी। और इंटीरियर से डैशबोर्ड की कंडीशन की बात करें तो इंटीरियर की जो डैशबोर्ड की कंडीशन है वो भी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में देखने को मिल रही है। बुफर वगैरह इंस्टॉल है इसमें क्या? नॉर्मल है, नॉर्मल सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम इस गाड़ी के अंदर लगा, बुफर वगैरह इंस्टॉल नहीं है जी। बैक साइड से गाड़ी की इस तरह से जो सीटें वगैरह एक्स्ट्रा है वो भी लगवाई हुई है भाई ने। मॉडल 2015 का है, सुजुकी वोलान। बाकी प्राइस है क्या है इसकी वो ऑनर के साथ मिलकर आप लोग सब भी शेयर कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें सर इस गाड़ी की? 7,50,000। 7,50,000 इसमें कोई गुंजाइश है या फाइनल है आपके? ये 7,30,000। 7,30,000 में आप फाइनल ये गाड़ी दे देंगे। CPLC क्लियर है इस गाड़ी की? कितने ओनर पे गाड़ी है? सेकंड ओनर। नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है इस गाड़ी की? सस्पेंशन में या गाड़ी के इंजन में कोई काम नहीं है? कोई काम। ठीक है, नंबर अपना शेयर कर दीजिएगा। 0313-2638-047। क्या नाम आपका सर? अब्दुलरहमान भाई। कहाँ की लोकेशन है? सरजानी टाउन की लोकेशन। ठीक है, रहमान भाई के पास गाड़ी मौजूद होती है, सरजानी की लोकेशन है। अगर आप लोग गाड़ी चाहिए तो आप लोग गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। नंबर जो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा भाई का, मॉडल 2015 का है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। टोयोटा करोला एक्स और गाड़ी जो है टवाज से टचअप है, मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कौन से पीस टचअप हैं। और गाड़ी एक्स की मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि एक टोयोटा करोला एक्स ऐड करें तो मिल नहीं रही थी, तो आज फाइनली मिल चुकी है, मैं ऐड कर रहा हूँ। तो गाड़ी मशीन से अच्छी कंडीशन में मौजूद है, लेकिन इस गाड़ी का जो इंजन है वो चेंज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बढ़ते हैं लाइटों की तरफ। लाइटें देख सकते हैं आप लोग, बड़ी लाइट हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं टोयोटा की करोला एक्स। गाड़ी नो डाउट बड़ी बेहतरीन हालत में मौजूद है और जिस तरह आप लोगों को कैमरे में नज़र आ रही है सेम आप लोगों को रियल में भी इसी तरह ही गाड़ी देखने को मिलेगी। पूरी गाड़ी शावर नहीं है, एक आधा पीस इस गाड़ी का टचअप है। और टायरों की बात करें तो तकरीबन इस गाड़ी के 70% टायर भी गुड हैं, अलॉय रिम लगे हुए हैं। और नो डाउट गाड़ी जिस तरह आप लोगों को कैमरे में नज़र आ रही है रियल में भी आप लोगों को गाड़ी इसी तरह ही मिलेगी टोयोटा करोला एक्स। बैक साइड से गाड़ी है कुछ इस तरह से जी। और बैक कैमरा इंस्टॉल है इसके अंदर, बाकी पूछते हैं अंदर LCD वगैरह लगी हुई है कि नहीं। ये भाई फुल पावर वाली गाड़ी होती है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, पावर मिरर वाली गाड़ियाँ हैं। बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ और इंटीरियर की बात करें सबसे पहले हम लोग दरवाज़ों को देख लेते हैं। दरवाज़ों की सीलों की बात करें तो ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। और अंदर इंटीरियर की बात करें तो सीटों पर जो है लेदर कवर भाई ने इंस्टॉल करवाए हैं, बिल्कुल बेहतरीन हालत में ही मौजूद है इंटीरियर इस गाड़ी का। पूरा इंटीरियर आप लोगों को इस गाड़ी का जेन्युइन ही मिलेगा। बाहर से एक आधा पीस टचअप है जो फिर ओनर के साथ मिलकर आप लोगों को वो भी मैं शेयर करा दूंगा। ये सीलें आप लोग चेक कर सकते हैं ओरिजिनल हालत में है ये। बाकी मैं आप लोग इंजन रूम चेक कराया था, उसके बाद फिर ओनर के साथ मिलकर डिटेल भी दे देता हूँ इस गाड़ी की। ये देख सकते हैं आप लोग पावर विंडो में है जी, पावर मिरर, पावर स्टीयरिंग, एयरबैग सिस्टम, ऑटो ट्रांसमिशन। इसका इंजन रूम खोलिए सर, खुला हुआ है। तो इंजन से गाड़ी कुछ इस तरह से है जी। इंजन इस गाड़ी का चेंज है लेकिन बुक पे अपडेट है। मुझे 1300 CC लग रहा है, फिर भी पूछ लेते हैं ओनर से ये कौन सा इंजन है, 1500 या 1300 है। तो माशाल्लाह से इंजन से गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन हालत में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कौन सा मॉडल है सर ये? 2000 मॉडल है जी, 13 का रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में। गाड़ी का इंजन सिर्फ चेंज है जी, इंजन। अच्छा, कौन से पीस टचअप है इस गाड़ी का? अभी मुझे इतना जान कंफर्म नहीं है इसी तरह से, जब लेने आए तो फिर खुद चेक कर लें। ठीक है, डिमांड क्या कर रहे हैं सर इस गाड़ी का आप? 22 लाख रुपये आप डिमांड कर रहे हैं, इसमें कोई कमी पेशी हो जाएगी? फाइनल है आपकी डिमांड, लेने आएगा तो फिर इसमें हो जाएगी। ठीक है, ऑटो ट्रांसमिशन में इंजन कौन सा, 1300 CC लगा, 1500? 1500 लगा हुआ, अभी पहले भी 1500 था। कितने ओनर पे सर गाड़ी है? 2-3 थर्ड ओनर पे। पेपर सब कंप्लीट है इसके, कोई काम वगैरह तो नहीं इंजन में, सस्पेंशन में कहीं, और AC वगैरह परफेक्ट वर्किंग में इस गाड़ी का? ठीक है, नंबर अपना शेयर कर दीजिएगा जो आपकी यूज़ में हो। 0300-2523-41। क्या नाम है आपका सर? शबीर अहमद भाई। कहाँ की लोकेशन है? ये गुलशन है मेहमान। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, तो ये गाड़ी मौजूद है भाई के पास और हाँ ले लेता हूँ भाई। किसी को चाहिए तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, 2000 का मॉडल है। बाकी रजिस्ट्रेशन मैंने आप लोगों को बता दिए, पहले आप लोग ये गाड़ी चेक कर लें, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल भी दे देता हूँ एंड में।
तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं गाड़ी की कंडीशन की। 2012 का मॉडल है और गाड़ी आप लोगों को टोटल जेन्युइन ही मिलेगी। आप टोटल जेन्युइन हैं और लग रही है, फिर भी अपने हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हैं। जिस तरह ओनर ने हमें बताया कि मेरी गाड़ी पूरी जेन्युइन है, हम लोग भी उसी तरह ही आप लोग गाइड कर रहे हैं कि गाड़ी पूरी जेन्युइन है। मॉडल 2012 का है। बाकी इसकी रेट क्या है वो फिर जब ओनर से मिलेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बढ़ते हैं टायरों की तरफ जी। टायरों की बात करें तकरीबन 80 से 85% तक गुड नज़र आ रहे हैं। और सामने फ्रंट की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लाइटों की तरफ नज़र डालते हैं। लाइटें बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में देखने को मिल रही हैं जी। और ग्रिल की साइड की बात करें तो ग्रिल भी हमें साफ़ सुथरी हालत में देखने को मिली है। मॉडल 2012 का है, टोटल गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन नहीं मिलेगी। दरवाज़ों की सीलों की बात करें तो ये देख सकते हैं आप लोग जेन्युइन हालत में मौजूद हैं, कोई रिपेयर नहीं है। जब रिपेयर करवाते हैं तो साफ़ नज़र आ जाती हैं सीलें किस तरह होती है रिपेयर वाली। खोली जरा इसको, नो डाउट गाड़ी 2012 का मॉडल है भाई। जिस तरह की गाड़ी नज़र आ रही है ना कैमरे में आप लोगों को, रियल में भी गाड़ी इसी तरह ही मिलने वाली है। इंटीरियर की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी ब्रांड न्यू हालत में मौजूद है जी। सीटों पे जो है अभी तक शॉपर वगैरह इंस्टॉल करवाए हुए हैं भाई। एक दोबारा कराएँ ये पहले के थे शॉपर, जेन्युइन लगे हुए ये, ठीक है जी। तो ये जेन्युइन लगे हुए हैं भाई ये भी, ठीक है। बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से है जी। 2012 का मॉडल जी, टोटल गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन मिलने वाली है। और सीएनजी सिलेंडर जैसे कहते हैं कंपनी फिटेड। और गाड़ी की कीमत मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, फिलहाल थोड़ा सा रुको। बाकी इंजनों में आप लोगों को शेयर, हाँ रुको ज़रा सब्र करो यार, इंजन वाइज चेक करिएगा। चलें जी, तो जिस तरह गाड़ी शोरूम में खड़ी होती है ना भाई, उसी कंडीशन में मिलने वाली है आपको ये गाड़ी। बाकी आप लोगों के जहन में घूम रहा होगा इसकी प्राइस क्या है, बताता हूँ सर, बताता हूँ प्राइस इसकी। झटका तो आप लोगों को लगेगा। चलें जी, तो इंजन रूम से पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन मिलेगी, है पूरी गाड़ी जेन्युइन। अभी बढ़ते हैं भाई ओनर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड कर रहे हैं सर इस गाड़ी की आप? 11.25। गाड़ी तो आपकी इस तरह खड़ी जैसे आपने अभी शोरूम से निकलवाई है मेरे ख्याल में, कितना चली हुई सर ये गाड़ी? 40,000 चली हुई है। हाँ, 45,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ठीक है। नंबर अपना शेयर कर दीजिए सर। 0312 537 9090। क्या नाम है आपका? नसीब, ठीक है। लोकेशन कहाँ की सर? गाड़ी आ रही है, लोकेशन कहाँ की है? 11B, ठीक है सर जी। बाकी गाड़ी माशा से बिल्कुल साफ़ सुथरी है। बाइक का नंबर जो ऐड कर दूँगा स्क्रीन पर, अगर आप लोग गाड़ी चाहिए तो आप लोग गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, टोयोटा वेट्स 99 2006 के रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में भाई। और गाड़ी बाहर से आप लोगों को पूरी शावर मिलेगी, लेकिन इंजन भी इस गाड़ी का चेंज है। बाकी प्राइस क्या है फिर ओनर के साथ मिलकर आप लोग सभी शेयर कर देंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बढ़ते हैं टायरों की तरफ। टायरों की बात करें तो तकरीबन हमें 85 से 80% गुड लग रहे हैं और टायर में लगे हुए हैं। तो इसके अलावा बढ़ते हैं हम लोग लाइटों की तरफ। लाइटें भी इसकी साफ हालत में मौजूद है, लेकिन जो इसका कलर है थोड़ा सा फेड नज़र आ रहा है। सामने इसके ग्रिल की बात करें तो ग्रिल भी सही हालत में मौजूद है, कोई टूटी हुई क्रेक नहीं है। बाकी लाइटों की जो कलर है वो फेड है। गाड़ी बाहर से आप लोगों को पूरी शावर मिलेगी, अंदर से पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन कंडीशन में मिलेगी। टोयोटा वेट्स 99 और 2006 के रजिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान में जी। और बैक साइड से गाड़ी है कुछ इस तरह से जी। टोयोटा वेट्स की जितने लोग रिक्वेस्ट करते हैं जी मैं गाड़ी ऐड कर रहा हूँ। अगर आप लोग गाड़ी समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप लोग गाड़ी ये परचेज कर सकते हैं। ओनर का नंबर जो है डिटेल के साथ मैं आप लोगों को दे दूंगा जी। बैक साइड से गाड़ी है कुछ इस तरह से जी। मॉडल 99 का है, 2006 के रजिस्ट्रेशन ही पाकिस्तान में है। तो बढ़ते हैं जी इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले हम दरवाज़ों की सीलें वगैरह चेक करते हैं, तो सीलें जो हैं बिल्कुल बेहतरीन हालत, ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं जी। इंटीरियर की बात करें तो अंदर सीटों पे कवर वगैरह इंस्टॉल करवाए हैं, नॉर्मल टाइप सिस्टम लगा हुआ है। इंटीरियर बिल्कुल साफ़ सुथरा और जेन्युइन हालत में मौजूद है। ऑटो ट्रांसमिशन में 1000 cc इंजन। और नो डाउट गाड़ी की जो इंटीरियर की हालत है वो पूरी जेन्युइन है। और पावर विंडो है जी, पावर मिरर है, पावर स्टीयरिंग है, एयरबैग सिस्टम, ऑटो ट्रांसमिशन। और डैशबोर्ड से गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। बाकी बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, उसके बाद फिर ओनर के साथ मिलकर पूरी डिटेल भी दे देंगे आपको। और
और इंजन रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से है, 1000 cc इंजन। जैपनीज़ गाड़ियाँ होती हैं भाई ये वाली जो है, ड्राई बैटरी इंस्टॉल है। इंजन रूम इस गाड़ी का जेनुइन कंडीशन में नज़र आ रहा है, फिर भी अपने हिसाब से आप लोग लेते वक्त गाड़ी को चेक कर सकते हैं। अगर मुझे बिलफर चेक करते वक्त कोई डाउट हो जाता है, मैं फिर वो वीडियो बनाते हुए चुप हो जाता हूँ, मैं समझ जाया करो। बारह फिर भी अगर आप लोग कोई भी गाड़ी मेरे वीडियो के थ्रू पसंद आती है तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, यार फिलहाल मॉडल की गाड़ी हम लोगों ने देखी है तो जो उसकी डिटेल ज़रा हमें दे दें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस गाड़ी की डिटेल आप लोगों को सही तरह से दे दूँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें सर इसकी? 11:30 इसमें गुंजाइश हो जाएगी जी? अच्छा, इसमें गुंजाइश वगैरह भी है और 11:30 की भाई डिमांड करें। पेपर वगैरह सब कंप्लीट है इसके? CPLC वगैरह क्लियर है, नंबर प्लेट दोनों? कितने ओनर पे सर गाड़ी है? सेकंड ओनर पे। इंजन इसका चेंज है जी? बुक पे अपडेट करवाया आपने? नहीं कराया बुक में, अपडेट नहीं करवाया। शोरूम का रसीद तो होगा जिससे, मतलब दुकान से आपने इंजन लिया उसका रसीद? ठीक है। लोकेशन कहाँ की सर? लोकेशन वहाँ मच्छी मार्केट, मच्छी मार्केट की पटेल पाड़ा जी। आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, नंबर बताइए सर अपना। 03444221010442442। क्या नाम आपके सर? मुमताज खान। मुमताज खान भाई, ये गाड़ी की जो सस्पेंशन इंजन वाइज काम वगैरह तो नहीं रिक्वायर्ड? नहीं ना, ठीक है, मतलब लो और चलाओ। ठीक है, अगर आपके पास कोई कॉन्टेक्ट करे तो अपने हिसाब से फिर गाइड कर लीजिएगा। सी बहुत शुक्रिया। मुमताज भाई के पास गाड़ी मौजूद होती है, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। ओके तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे कोई गाड़ियां हमें मिलती हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये गाड़ी है सुजुकी मेरान मॉडल 2015 का है जी। गाड़ी टोटल जेन्युइन कंडीशन में है और इसकी जो डिमांड कर रहे हैं ओनर वो 8,20,000 रुपये कर रहे हैं। इसमें कुछ कमी पेशी हो जाएगी, इसकी फाइनल प्राइस नहीं है, ये किसी दोस्त ने मुझे सेंड की है। अगर आपके पास कोई गाड़ी, अगर आप भी अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हो, पूरी डिटेल के साथ गाड़ी की पिक्चर वगैरह मेरे व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये ज़बरदस्त गाड़ी है और बेहतरीन कंडीशन में, अगर आप लोग गाड़ी चाहिए तो ओनर का नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग ये गाड़ी परचेज कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कराची की भाई बता रहे हैं, फिर भी आप लोग कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि गाड़ी कराची में अवेलेबल है या कहीं और। इंजन रूम से गाड़ी देख सकते हैं, बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन कंडीशन में। यूरो 2 का इंजन इस गाड़ी में लगा हुआ है, VXR है, AC वाली।